भाई लोकेशन तो बढ़िया है ना, देख यार। खाच के कितनी लगाओ, चल क्या कहते हैं बाज दाना के क्या है बाज अरता है ना भाई चीता। सो गाइस वेलकम बैक टू द चैनल। उम्मीद करता हूँ यार सब लोग एक नंबर के हो गए। तो यार फाइनली हमारा बुलावा हो गया बाबा के, जय श्री महाकाल उज्जैन। तो अभी हम यार एक ऐसी लोकेशन पे, अभी हम फिलहाल अपने घर नहीं है, हम है बीना। एक्चुअली क्या था, भाई का कुछ काम था यहाँ पे, तो हम डायरेक्ट अपने यहाँ पर आ गए। तो व्लॉग में डायरेक्ट आज से स्टार्ट कर रहा हूँ। और यार ये भी एक बेसिकली एमपी में जगह पड़ती है और यहाँ से अराउंड 350 किलोमीटर है उज्जैन, और ओंकारेश्वरी सिमिलर सा ही। तो अभी प्लान कर रहे हैं यार पहले उज्जैन जाए या फिर ओंकारेश्वर जाए, अभी फाइनल कुछ नहीं है। क्योंकि यार वहाँ पे थोड़ा सा ना वेदर कंडीशन थोड़ी सी क्रिटिकल हो चुकी है, कई जगह बता रहे हैं कि जो शिप्रा नदी है वो ओवरफ्लो चल रही है, तो देखते हैं कहाँ जाया जाएगा। बाकी हम जहाँ रात को रुके थे प्रॉपर्टी, यार रात को पता नहीं था, रात को तो ऐसी लग रही थी जैसे वो मूवी नहीं होती वीराना हॉन्टेड टाइप ऑफ, उस टाइप की मतलब पूरी प्रॉपर्टी थी। तो अभी आपको ना चेक कराता हूँ। तो देखो यार वेदर चेक करो, यहाँ का वेदर भाई क्लास ही हो रखा है। ये है बेसिकली यार यहाँ की एंट्री, और चारों तरफ ग्रीनरी है, बहुत ही प्यारा एरिया है यार, ये देखो गाइस। और भाई ये है एक प्रॉपर्टी, मतलब अगर किसी को इस जोन में कोई एरिया चाहिए तो यार मैं तो पर्सनली ये सजेस्ट करूँगा, ये जगह काफ़ी अच्छी थी। और सराउंडिंग जो वाइब है ना भाई, उस बिग थम्स अप। अभी फिलहाल हम अपनी रीले शीले बढ़ा लेते हैं, और भाई रील वील चेक कर ले करो, इंस्टाग्राम पे फॉलो करो भाई को, शुभ ऑफिशियल, बाकी मैं मेंशन कर दूंगा इधर, ठीक है। और मैं अपने यार चार भाइयों के साथ आया हूँ यार, आपको ना अपना होटल का टूर देता हूँ छोटा सा। अभी यार अपनी कॉफी आए तो इस व्यू के साथ इंजॉय करते हैं। एक बात थोड़ी सी अजीब सी है कि इस पूरे होटल में ना सिर्फ मतलब कोई है ही नहीं, पूरा खाली पड़ा है भाई। सिनेमैटिक दिखाऊं थोड़े बहुत, चलो चेक करें। अरे भाई हार लेना, चलते चलते भाई चेक करो, ऐसा कुछ भाई एंट्रेंस है, ठीक है। तो भाई ऐसा कुछ रूम था, अब ये हालत यार थोड़ा मैस हो रखा सब कुछ। और ये साइड विंडो भी है भाई, ठीक है यार। ये तब ऐसा नहीं लग रहा जैसे इसमें कोई लाल पानी भर के, और यूं कहा मैं तो खाऊंगी भाई। अब निकलने का टाइम हो गया अपना, ठीक है। और अब देखते हैं कहाँ जाएंगे यार, ओंकारेश्वर बाबा के जाएंगे या फिर सीधा डायरेक्ट उज्जैन जाएंगे, अभी कुछ प्लान नहीं है। तो फिर आगे की जर्नी में आप देखना और बने रहना भाई, बताना भाई कैसा क्या कुछ लग रहा है। अब जहाँ कहाँ रहे, अब का प्लान क्या है भाई? भाई एक बार पहले तो जहाँ जिस काम के लिए आए हुए ना, वो काम देखेंगे पहले तो। फाइनल चेक कर का आया। चलो ले भाई, भारत पेट्रोलियम में घुस गए भाई। यहाँ ना एक प्रोजेक्ट था, प्रोजेक्ट क्या बेसिकली यहाँ पे एक रिफाइनरी है BPCL की, भारत पेट्रोलियम की, तो उसको फंडिंग दी गई है 50,000 करोड़ की, ऐसा वर्बली था जो भी है वो तो पता नहीं कितना दिया सामने। और यहाँ पे 2,00,000+ लोगों की गैदरिंग होनी थी, तो भाई का काम यहाँ बेसिकली इस चीज का था, ठीक है। हैंगर कितने लगे थे? 20 हैंगर लगे थे, 100 by 350 के 20 हैंगर। ओहो, मतलब करीब करीब 700 मीटर, 700 मीटर लंबा, मतलब आधा किलोमीटर से फालतू। तो ऐसे गिरते हैं हैंगर ना भाई, जल्दी यहाँ से निकल लिया अपने आगे की जर्नी के लिए। तो अभी पहुंचे हैं जो बीना, जिस चीज के लिए फेमस है जगह, रिफाइनरी। यहाँ पे BPCL की एक रिफाइनरी है, मतलब बहुत बड़े एरिया में। और यार अभी वो हमारे सामने वहाँ पे ना एंट्री अलाउ नहीं है, जस्ट बिकॉज सेफ्टी प्रोटोकॉल्स और बहुत सारा ताम झाम है वहाँ, काफ़ी सारी परमिशंस लेनी पड़ती है। तो फ़ोन वैसे भी अलाउड नहीं है तो मैं कुछ दिखा पाता, बट बाकी बाहर से दिखाता हूँ आपको। और भाई हेलीकॉप्टर उड़ रहा है दुनिया भर के यहाँ पर, चेक करो, देख रहे हेलीकॉप्टर, देखो वह कितने हैं
तो भाई ये सामने उसकी एंट्री है और ये पूरी रिफाइनरी रही, दिख रही होगी थोड़ी थोड़ी। भाई लोकेशन तो बढ़िया है ना, देखिए यार शानदार लोकेशन है भाई, एक नंबर लोकेशन है भाई, चेक करो यार। मतलब ये है बेसिकली जगह है सायर, और भाई क्या मतलब यहाँ के लोग जो है ना, मतलब खपरेल में रह रहे हैं यहाँ के लोग, यहाँ की जो ब्यूटी है उसका यूज कर ही नहीं पा रहे। और भाई रास्ते में इतने प्यारे प्यारे व्यू हैं, बाकी आपको ना रील वगैरह में इंस्टाग्राम पे दिखेंगी, वो चेक कर लियो यार। ठीक है चलो अब देखते हैं कहाँ रुकेंगे यार। फाइनली पहुंच लिए बाबा की नगरी उज्जैन, और अभी फिलहाल हम महाकाल लोक में है, महाकाल महालोक में। अभी आपको दिखाता हूँ यहाँ के नाइट व्यू, भाई क्या क्लास है। भाई ये नजारे हैं आगे, तो गाइस फाइनली बाबा के दर पे पहुंच गए और अभी दर्शन करके आ गए। कौन भाई, अभी हम दर्शन कर आए बाबा के, पर भाई वो कहते हैं ना संतुष्टि नहीं मिलती, तो वही वाली बात है। अभी टाइम हो रहा है 9:44 और 10:30 बाबा की शयन आरती होती है, और हम कहाँ बैठे हैं, लाइन लग रही है आगे, और हम वापस घूम फिर के अपने यहाँ आगे बैठ गए। मतलब करके जाएगा क्या आज दर्शन, आरती लेके जाएगा, मतलब आरती लेके जाएंगे इतनी देर है भाई। कोशिश तो करेंगे भाई, बाकी मालिक की कृपा, मिले ना मिले बिल्कुल सही बात, वेट तो कर रहे भाई। आधा घंटा हो गया, अभी आधा घंटा और बैठ गए। रूम पे यार आ चुके हैं और भाई रात के बज रहे हैं 1 फिलहाल, और भाई हालत हो चुकी है बहुत कैड़ी, दर्शन एक नंबर के हो गए बाबा के। आप लोगों को भी मैंने कराए जितना हो सकता था, पॉसिबिलिटीज थी, ठीक है। तो भाई वीडियो अच्छी लगी डू लाइक शेयर सब्सक्राइब, आपको पता ही क्या करना है। तो यार कल का सीन कल ही पता चलेगा, क्योंकि कल हम घर की तरफ ही निकलेंगे और रास्ते में कोटा पड़ता है, तो कोटा में देखते कुछ घूमने की जगह है तो वो एक्सप्लोर करेंगे भाई, ठीक है। तो अगर कुछ इस टाइप का कोटा का देखना है तो आप कल का व्लॉग चेक कर लेना। बाकी आज की सब ने भाई राम राम, बाय टाटा, टेक केयर, मौज लो भाई, बाय।